Good evening, dear all. How are you, everyone? कैसे हो आप सब? आज कुछ मैं न्यू ज्वाइनिंग न्यू प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पूरा वीडियो देखिएगा। आपको अच्छा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो बंदे हैं नया प्रॉपर्टी में, नया ज्वाइन जो बंदे हैं उनके लिए है ये। जब आप नया जॉब अप्लाई करते हो, नया जॉब में अपॉइंटमेंट में होते हो, उसके बाद आपका इंडक्शन होएगा। इंडक्शन होने के बाद आपका जब किचन में एंट्री होएगा, उस टाइम पे बहुत शांत दिमाग रखना, दिमाग शांत रखना, आपके ऊपर एटीट्यूड दिखा सकते हैं, या फिर आपको कोशिश करेंगे आपको प्रेस करने के लिए। वहाँ जो भी काम करते हैं सालों से, उन लोग वहाँ का मतलब किंग है, सोचिए वहाँ का किंग है। आप वार में जा रहे हो, ये सोचिएगा। बहुत लोग आपको कॉपरेट करेंगे, बहुत लोग आपको ये भी करेंगे कि आपको आपके ऊपर मतलब ईगो बहुत सारा, आप जो बोलेंगे इग्नोर करेंगे, ऐसा हो सकता है। सीनियर जूनियर जो भी हो, एक्स वाई जेड एग्जीक्यूटिव से लेके कॉमी तक के लिए मैं बात कर रहा हूँ ये। तो कोशिश कीजिएगा शांत दिमाग रखना और सामने वाला का समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो आप सामने वाला सीनियर हो या जूनियर हो, उनको समझने की कोशिश कीजिए। वो किस तरह का आदमी जो आपके साथ काम करे, उनको समझिएगा। और आप सामने से उनको जो भी आपके पास नया है, आप कोशिश कीजिएगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो बोलिएगा इसको, पहले आपका बात वो फटक से दिमाग में नहीं लेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, या फिर आपको कुछ नहीं आता ऐसा सोचेंगे। पर शांत दिमाग रख के उनको कॉपरेट कीजिएगा आप, तो उसके बाद उनको फॉलो कीजिएगा कुछ दिन, तो आपको पता चलेगा कि ये कैसा चला, कैसे क्या हिसाब से यहाँ काम होता है, क्या कैसा होता है, टाइम टेबल क्या है, कितना स्टाफ इनके बारे में, शिफ्ट के बारे में, आगे जो फूड के बारे में या प्लेटिंग के बारे में, जो आप जानता हो वो चीज़ वो प्रॉपर्टी में ना हो, फिर जो आप नहीं जानता हो वो प्रॉपर्टी में वो चीज़ हो, जो प्लेटिंग आपसे पूरा चेंजेस है, या कुछ आपको अच्छा सीखने मिले, या हो सके आप कर चुके हैं वो चीज़ वहाँ मिले, ऐसा हो सकता है। प्लीज़ न्यू ज्वाइनिंग, प्लीज़ टेक केयर, और कोशिश कीजिएगा थोड़ा दिन शांत रहिए, किसी को बैक रिप्लाई नहीं करना, एक दूसरे को मदद करना। और जो भी पुराने वहाँ काम करते हैं उनके लिए भी मैं मैसेज बोल रहा हूँ, जो नया आते हैं उनको कोशिश कीजिएगा कोऑपरेट करने के लिए, और प्लस उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सके वो बंदे से आपको कुछ सीखने मिले, या वो कुछ सिखा के जाए आपको, अगर आपके अंदर कंफर्टेबल हो तो आप उनसे कुछ सीख पाएं, या उसको कुछ आप बता पाएं, उसको भी सिखा पाएं। ये सब ये दुनिया है ना, ऐसा चीज है, कहीं भी नया जुना नया पुराना ये सब होते रहता है। तो कोई जाता है कोई आता है, ये मतलब होटल इंडस्ट्री ऐसा है, कोई न्यू ज्वाइन होता है, कोई मतलब रिजाइन कर लेता है, ये चलते रहता है। ये सोचिएगा कि आप वो प्रॉपर्टी में हो तो आप सामने वालों को कॉपरेट कीजिएगा, वो आपको कॉपरेट करेंगे। रिलेशन देखिए, ये जो लाइन होटल इंडस्ट्री का जो दुनिया है, बहुत छोटी दुनिया है, कहीं भी किधर भी किसी से मुलाकात हो सकता है। और आप कोशिश कीजिएगा अच्छा रहें, अच्छा सबसे व्यवहार रहें। रिलेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, इसके लिए मैं बोलता हूँ, मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ, रिलेशन जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके लाइफ में। अगर आप वहाँ अच्छा रिलेशन हो, नया कुछ प्रॉपर्टी ओपन हो, तो वो आपको बुला पाए वहाँ, उससे बेहतर सैलरी में, उससे अच्छा पोजीशन में आपको बुला के वहाँ ला पाए। आपके पास अगर आपने उसको एटीट्यूड दिखाया हो, या आपने उसको इग्नोर किया हो, आपने हेट किया उसको, गाली गलौज किया हो, सिखाने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो आप उनको, आप ऐसा सोचते हो कि मैं सिखाऊंगा तो मेरी नौकरी खा जाएगी, अगर वो बंदा दूसरे प्रॉपर्टी में गया, कुछ अच्छा वैकेंसी हुआ, अच्छा अपॉर्चुनिटी हुआ, तो वो बंदा आपको कभी नहीं देगा। जो भी प्रॉपर्टी में काम करते हैं सालों से, जो ओल्ड स्टाफ है वो प्रॉपर्टी के अंदर का, वो स्टाफ के लिए मैसेज है, प्लीज जो भी न्यू है उसको कॉपरेट कीजिएगा, उसको गाइड कर दीजिएगा। ये सोचिएगा आप भी अगर कहीं दूसरा नया प्रॉपर्टी में जाते हैं तो आपके लिए भी सेम ऐसा ही ट्रीट होगा। आप अच्छा करोगे तो ऑब्वियसली सामने वाला आपको अच्छा करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गाइड कीजिएगा सामने से, यहाँ ऐसा होता है, या सीनियर हो या जूनियर हो, क्योंकि आपकी फर्ज है कि आप वहाँ के जो जूने पुराने हो, मुंबई लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी, वहाँ का पुराना जो आप स्टाफ हो, तो आपको आपकी जिम्मेवारी है उसको गाइड करना। आप उनको गाइड कीजिएगा क्या क्या पोजिशन है वहाँ, क्या कुछ है, सब चीज आप उसको गाइड कर दीजिएगा, उसको कॉपरेट कीजिएगा, क्योंकि इंडक्शन में तो होता है, फिर भी आपको उनको हेल्प करना है। और न्यू ज्वाइनिंग ओल्ड को कॉपरेट करना है, ओल्ड लोग न्यू को कॉपरेट करना है। आप लोग पुराने हो तो क्या हुआ, पूरा जिंदगी तो वो प्रॉपर्टी में काम करने वाले नहीं हो, कभी ना कभी तो दूसरा प्रॉपर्टी चेंज करना है आपको,
तो आपको भी वही ट्रीट किया जाएगा। आप जो ट्रीट न्यू ज्वाइनिंग से आप करते हो वही सेम ट्रीट आपको दूसरा प्रॉपर्टी में आपको करेगा। किसी दिन आप भी वहां नहीं थे, ये चीज नहीं भूलना प्लीज मेरे सैफ लोग। आप भी वो जगह से गुजरे हैं, वो समझिएगा नया ज्वाइनिंग को, आप अच्छा ट्रीट कीजिएगा, कोशिश कीजिए कि आपके अंडर कॉपरेट हो जाए, वो आपके आपको समझ पाए और आप उनको गाइड कर पाए। बाद में उससे आप कुछ ले सकते हो, ये संसार कुछ देता है तो कुछ लेता भी है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। आप कभी भी उनको इग्नोर नहीं करना, आप भले कुछ भी हो, आप भले बहुत साल सिखाओ पर कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है मैसेज मेरे तरफ से। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, HM स्टूडेंट्स, और प्लस जो भी जॉब करना चाह रहे हैं, नया जॉब जो नया जॉब ढूंढ के नया अपॉइंटमेंट है उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। जब आप नया ज्वाइनिंग होंगे बहुत शांत जाएंगे, वहां शांत भाव से रहेंगे, आपके जो भी एटीट्यूड है आप उसको भूल जाइए। दूसरी जगह जो भी सीखी है आपने वो फिलहाल जब तक आप कंफर्टेबल नहीं है उस टाइम पे आप भूल जाइए। वहां जो है आपके सीनियर जूनियर्स उनको समझने का कोशिश कीजिएगा, सबसे पहले उनको समझ जाएंगे तो आप इजीली फ्लाई हो जाएंगे वो जगह पे, इजीली फ्लाई करेंगे आप। आपको वहां के बारे में नहीं पता रहेगा, पहले आप बहुत कुछ करना कोशिश करोगे, यू कैन नॉट फ्लाई दैट प्लेस, ट्रस्ट मी, इट्स माय एक्सपीरियंस, ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, आई विल गिव यू द एक्सपीरियंस, माई लाइफ एक्सपीरियंस आई गिव यू, प्लीज डोंट फॉरगेट। ये कोशिश कीजिए कॉपरेट करने के लिए, और आप भी कॉपरेट कीजिएगा, आप नहीं भूलना कि मैं भी कहीं नया था और आज मैं यहाँ पुराना हूँ। तो आप भी पूरे जिंदगी वो प्रॉपर्टी में काम नहीं करेंगे और दूसरा प्रॉपर्टी जाना है आपको भी, इसी के लिए आप उन्हें कॉपरेट कीजिएगा। ओल्ड सैफ किचन के जितने भी सालों से काम करते हैं उन लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, और नए नए जो भी मेरा सोच विचार जो भी मेरे एक्सपीरियंस है मैं आप तक नए पहुंचाते रहूंगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब, प्लीज डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।